नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASRS ग्रुप BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी खबर है। ऑफिशियली कट ऑफ जारी कर दिया गया है बायोलॉजी का। तो यहाँ पे अगर आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने के लिए UAT का परीक्षा दिया होगा और आपने बायोलॉजी स्ट्रीम चुना होगा तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि ऑफिशियली कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज ASR न्यूज़ इंडिया से। और आपको बताना चाहते हैं, आप इसके वेबसाइट से अपना काउंसिलिंग लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। BHUonline.in वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना काउंसिलिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे BHU के तरफ से बड़ी खबर है कि बायोलॉजी के लिए ऑफिशियली कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए आप क्लियरली यहाँ पे विज्ञान संस्थान में स्नातक प्रवेश हेतु बायो ग्रुप में काउंसिलिंग 5 जुलाई से प्रारंभ है। और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं विभिन्न वर्गों के लिए जो काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ दिया गया है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 239 गया है, मेन कैंपस की बात कर रहे हैं 238 नंबर गया, सॉरी मेन कैंपस के लिए। यही अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी की बात करें तो 203 यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ मार्क्स इनका। और यही अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे इनका 108 गया हुआ है। और यही अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति तो यहाँ पे इनका सिर्फ यहाँ पे 68 नंबर गया है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं जो 25% मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ पार करना था उसमें BHU की तरफ से सुधार किया गया ताकि सीटें खाली ना रह पाए जो कैटेगरी वाइज सीटें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को देखिएगा, 68 नंबर मात्र गया है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का। तो बड़ी खबर है आप सभी के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी का जो ऑफिशियली कटअप है वो जारी कर दिया गया है। यही अगर हम बात करें महिला महाविद्यालय, जहाँ पे केवल महिला लोगों का ही नामांकन हो पाएगा, केवल गर्ल्स का ही नामांकन हो पाएगा, उनका क्या कटअप गया है तो यहाँ पे देखिए महिला महाविद्यालय में प्रवेश हेतु लड़कियों के लिए जो कटअप गया है, जो जनरल कैटेगरी के होंगे उनका यहाँ पे 212 गया हुआ है। यहीं अगर OBC की बात करें तो यहाँ पे इनका 178 गया हुआ है, SC की बात करें तो 79 गया हुआ है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर हम ST की बात करें तो यहाँ पे इनका 68 गया हुआ है। तो 68 कटअप गया सिर्फ और सिर्फ महिला महाविद्यालय के लिए, और यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का ही नामांकन होता है। यही अगर हम रेगुलर सीट में पेड सीट की बात करें तो पेड सीट आपका 22/7/2019 से इसका जो काउंसलिंग होगा प्रारंभ होगा और एक ही दिन में इसका काउंसलिंग कम्प्लीट हो जाता है। पेड सीट और रेगुलर सीट में जो अंतर होता है वो ये होता है, सिर्फ पैसों का अंतर होता है। आपका जो पेड सीट होगा वहाँ पर आपका जो मेन रेगुलर सीट में जो पैसा लगेगा उसका कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। तो पेड सीट के लिए भी आप अपना नामांकन ले सकते हैं, आपका थोड़ा सा पैसा यहाँ पे ज्यादा लगेगा। आपको बता देना चाहते हैं पेड सीट के लिए जो यहाँ पे गया हुआ है, जो आपका जो कटअप वो है 379 से 211 आपका मार्क्स रहना चाहिए इसके बीच में, उसके बाद 1 से लेकर के 1968 तक आपका रैंक होना चाहिए, फिर आप पेड सीट के लिए काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। यहीं अगर हम महिला महाविद्यालय के लिए बात करें तो महिला महाविद्यालय में 210 से 199 के बीच में केवल महिला लोगों का यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए। और रैंक की बात करें तो 1962 से लेकर के 1140 तक के रैंक अगर आपका है तो फिर आप यहाँ पर महिला महाविद्यालय में नामांकन अपना करवा सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट था, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते तो फेसबुक पे सर्च कीजिएगा ASR न्यूज इंडिया, वहां पे आप सभी के लिए ये पोस्ट किया गया है। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो भी एजुकेशनल न्यूज या फिर जो भी न्यूज होता है हम सबसे पहले कोशिश करते हैं आपको प्रोवाइड कराने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।